पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद राशन चोरी घोटाले में भाजपा से जुड़े संलिप्त लोगों को बचाने के मामले को दबाने के विरोध में घुमारवीं में कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी की अगुवाई में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। घुमारवी में राशन चोरी घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सीपीएस राजेश धर्माणी की अगुवाई में रैली निकाली और एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजेश धर्माणी ने कहा कि पुख्ता प्रमाण होने के बावजूद भी राशन चोरी मामले में भाजपा से जुड़े संलिप्त लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राजेश धर्माणी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि शीघ्र ही राशन चोरी घोटाले की न्यायिक जांच करवाई जाए, अन्यथा घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र की जनता सड़कों पर होगी। हमने सरकार से पहले भी मांग की है, ऐसे इस तरह के घोटाले में मांग करने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक युवा साथी ने जो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, उसने हिम्मत दिखाई और एक बहुत बड़े विरोध का पर्दाफाश करने के लिए जो है वो वीडियो बनाई, वीडियो सोशल मीडिया में जारी करी, प्रिंट मीडिया में इसकी खबरें छपी, टेलीविजन पे इसका प्रसारण हुआ, लगभग 1.25 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी। लेकिन एक ऐसी सरकार है, ये जांच से पहले 26 तारीख को हमारे जो स्थानीय विधायक हैं, जो घोटालेबाज हैं, जो राशन की तस्करी करने वाले हैं, उनको पहले से ही उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इसमें इनका जो है वो कोई दोष नहीं बनता। आपके कार्यकर्ता जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जरूर होंगे, लेकिन गरीब आदमी का, आम आदमी का राशन चोरने का हक उनको कहीं से कोई कानून नहीं। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।